हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सारिका साहू, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट साईं बाबा वुमेन हॉस्पिटल रायपुर में। आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक लैब के बारे में। डायग्नोस्टिक लैब यानी दूरबीन के द्वारा पेट के अंदर की जांच। इसमें एक छोटा सा दूरबीन नाभि के पास से अंदर डाला जाता है, पेट को फुलाकर कैमरे पर अंदर के अंगों को बड़ा करके देखा जाता है। कैमरे की सहायता से मॉनिटर पे अंगों को बड़ा करके देखा जाता है। डायग्नोस्टिक लैब एक साधारण सर्जरी है। वैसे तो इसको कई कारणों के लिए किया जाता है, पर महिलाओं में सामान्यतः इसे प्रेगनेंसी ना हो पाने के कारणों की जानकारी के लिए किया जाता है। साईं बाबा वुमेन हॉस्पिटल में हम डायग्नोस्टिक लैब करते वक्त नीचे के रास्ते से एक दूरबीन डाल के हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं, जिससे कि हम बच्चेदाने के अंदर की जांच करते हैं हिस्ट्रोस्कोप के द्वारा। यह एक बहुत साधारण सर्जरी है। ऑपरेशन से पहले आपके कुछ सामान्य टेस्ट कराए जाते हैं, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट इत्यादि। ऑपरेशन के दिन आपको सुबह खाली पेट बुलाया जाता है। लगभग 6 से 8 घंटे पहले से आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता। ऑपरेशन के पूर्व आपको पेट साफ करने की दवाई दी जाती है, और एक दिन पहले से आपको वैसे भी थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए ताकि पेट साफ करने में कोई परेशानी ना हो और जो खाना आसानी से पच सके। ऑपरेशन वाले दिन आपको नीचे के रास्ते से कुछ दवाई डाली जाती है ताकि बच्चेदाने का मुंह हल्का सा खुल सके और हम दूरबीन के द्वारा अच्छे से जाँच कर सके। ऑपरेशन के बाद 6 घंटे बाद ही आपको तरल आहार चालू किया जाता है, एंड फिर धीमे धीमे आप सामान्य डाइट ले सकते हैं। कुछ दिनों तक आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद, दूध इत्यादि अच्छे से खाना चाहिए और अपनी डाइट का अच्छे से विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो ऑपरेशन की जटिलता के आधार पर ही इसमें कुछ सावधानियां बताई जाती हैं, और वैसे ये साधारण ऑपरेशन है, पूरा बेहोशी में किया जाता है, इसलिए आपको गले में कुछ दिनों तक खराश महसूस हो सकती है, उसमें घबराने की बात नहीं है। लगभग 7 से 8 दिन में आपके स्टिच को खोल दिया जाता है। तब तक आपको घाव को सूखा रखना होता है, एंड उतने दिनों तक आपको सामने की तरफ झुकना नहीं चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहिए, भारी काम करने से बचना चाहिए। 7-8 दिन तक आपको शारीरिक संबंधी नहीं रखने चाहिए। ऑपरेशन के बाद अपनी एक पॉजिटिव सोच रखें, वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की हीलिंग के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। पर्याप्त नींद लें और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का अच्छे से पालन करें, और समय समय पर अपनी दवाइयाँ लेते रहें। कुछ भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, या SBH हॉस्पिटल में पूरे टाइम डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।